नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी की इस लर्निंग वीडियो पे जुड़ने पर स्वागत करता हूँ। आज हम बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला एक सरल प्रश्न प्रारूप जो नाभिकीय भौतिकी से संबंध रखता है, एटॉमिक मास यूनिट, आणविक द्रव्यमान इकाई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे एएमयू का कार्बन 12 एटम से क्या संबंध है और ये जो द्रव्यमान इकाई है वो ऊर्जा को भी जब व्यक्त करती है तो एक एएमयू किस प्रकार 931 मिलियन ईवी के बराबर है। तो समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट, आणविक द्रव्यमान इकाई एएमयू। सबसे पहले परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट एएमयू की महत्ता सिग्निफिकेंस को समझते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता का जो विशेष सिद्धांत था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें कहा गया कि जो द्रव्यमान है और ऊर्जा है वो एक ही वस्तु के दो अलग अलग रूप हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, रिलेटिविटी थ्योरम के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा का एक सघन रूप है और हम ऊर्जा और द्रव्यमान को परस्पर एक से दूसरे के रूप में नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं। और इस रूपांतरण के लिए आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार बताया कि द्रव्यमान m ऊर्जा e के साथ जो संगत रूप रखता है वो e mc² के बराबर होता है, जहां e mks जूल इकाई में ऊर्जा का मान है जो किसी नाभिकीय क्रिया में द्रव्यमान के संगत रूप रखती है, m mks यूनिट किलोग्राम में द्रव्यमान का मान है और ये c प्रकाश का वेग है जो mks इकाई में 3×10⁸ मीटर सेकंड रूप रख सकता है। हम नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट के रूप में व्यक्त करना पसंद करते हैं, अर्थात हमारे लिए amu ऊर्जा का भी रूप हो सकती है और द्रव्यमान का भी रूप हो सकती है। परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट को हम कार्बन 12, जो कार्बन का सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला और सबसे स्टेबल आइसोटोप रूप है, उसके संगत पढ़ा जाता है, और एक एएमयू कार्बन 12 परमाणु की स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक कार्बन 12 परमाणु में नाभिक में 6 प्रोटोन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन सबका जो संयुक्त द्रव्यमान है वो द्रव्यमान 12 एएमयू के बराबर, 12 परमाणविक द्रव्यमान इकाई के बराबर है, अर्थात एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटम, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉनों का जो संयुक्त द्रव्यमान है 1.996×10⁶ किलोग्राम, उसका 12वां अंश 12 का भाग देने से आएगा और एक एएमयू किलोग्राम इकाई में 1.66×10⁻²⁷ मान के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 एटम का द्रव्यमान पूरे 12 एएमयू के बराबर है या एक एएमयू कार्बन 12 एटम के द्रव्यमान का 1/12 अंश है और ये 1.66×10⁻²⁷ किलोग्राम के लगभग बराबर है। किसी नाभिकीय क्रिया में द्रव्यमान का अंश जो ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है, अगर वो द्रव्यमान एएमयू इकाई में दिया जाता है तो उसकी समतुल्य ऊर्जा की मात्रा E=mc² सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। एक एएमयू द्रव्यमान 1.66×10⁻²⁷ किलोग्राम के बराबर है और इसे प्रकाश वेग 3×10⁸ के वर्ग से गुणा कर देते हैं, एम और सी के स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो ये द्रव्यमान के संगत आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा रूप आ गई है। तो एक एएमयू द्रव्यमान की ऊर्जा जूल इकाई में एमकेएस पद्धति में 1.5×10⁻¹० जूल के संगत आ गई है। हम इस जूल ऊर्जा को अगर ईवी में लिखना चाहते हैं तो एक एएमयू के संगत जूल जो ऊर्जा है उसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का हम भाग दे देंगे तो ये ईवी में रूपांतरित हो जाएगी और गणना करने पर इसका मान 931×10⁶ और 10⁶ 1000000 को हम अंग्रेजी में मिलियन कहते हैं। तो एक एएमयू की संगत ऊर्जा मान 931 मिलियन ईवी के संगत हमें प्राप्त हो गई है। तो हम एक एएमयू को द्रव्यमान के रूप में 1.66×10⁻²⁷ केजी समझ सकते हैं और संगत ऊर्जा के रूप में सहज रूप से हम 931 MeV के बराबर एक एएमयू को ले सकते हैं।
कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास एएमयू की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझा पाएगा। इस उदाहरण में एक बिजली उत्पादक संयंत्र जो नाभिकीय संयंत्र है, उसमें एक परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम के द्रव्यमान का 0.09% हिस्सा द्रव्यमान से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यदि यही नाभिकीय रिएक्टर 500 मेगावाट विद्युत शक्ति की क्षमता पर काम कर रहा है और प्रक्रम में जो संयुक्त दक्षता है, कंबाइंड एफिशिएंसी है, वो अगर 30% हो, तो इस परमाणु रिएक्टर को निर्धारित 500 मेगावाट विद्युत शक्ति क्षमता पर कार्यरत रहते हुए एक दिन में कितनी मात्रा में यूरेनियम का उपयोग करना होगा, वो यूरेनियम ईंधन की खपत मात्रा हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो संयंत्र है वो एक दिन की 500 मेगावाट विद्युत शक्ति पर अपने संचालन में कुल m किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल करता है। तो हम m किलोग्राम यूरेनियम के द्वारा उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। m द्रव्यमान का 0.09% को प्रति इकाई में ज्ञात करने के लिए 100 का भाग दे देते हैं, तो जो यूरेनियम फ्यूल की किलोग्राम में मात्रा हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे प्रकाश वेग 3×10^8 के वर्ग से गुणा करके हम जूल में ऊर्जा का मान m किलोग्राम द्रव्यमान यूरेनियम के संगत 8.1 × 10^13 जूल प्राप्त कर सकते हैं। अब रिएक्टर की विद्युत शक्ति से ऊर्जा उत्पादन है उसे द्रव्यमान से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के साथ तुलना करके यूरेनियम ईंधन की खपत को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि नाभिकीय रिएक्टर की निर्गत शक्ति क्षमता 500 मेगावाट 500×10^6 है, तो हम इसमें संयुक्त दक्षता ओवरऑल एफिशिएंसी का भाग करके निवेश ऊष्मा शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं और शक्ति जो वाट में आई है उसे सेकंड में समय को अगर गुणा कर देते हैं तो हमें ऊर्जा का मान जूल इकाई में प्राप्त हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटे और प्रत्येक घंटे में 3600 सेकंड। तो कुल जो सेकंड में समय आया उसे वाट से अगर हम गुणा कर देते हैं तो 500 मेगावाट के निर्गत शक्ति वाले संयंत्र में जब ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण 0.3 ओवरऑल दक्षता के साथ किया जा रहा है तो निवेश ऊष्मा ऊर्जा का मान गणना करने पे शक्ति और समय का गुणा जूल में ऊर्जा 1.44×10^14 जूल हमें प्राप्त हो गई है। ये ऊष्मा ऊर्जा रिएक्टर में वाष्प बनाकर एक स्टीम टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है और यांत्रिक ऊर्जा साथ में जुड़े हुए जनित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में 500 मेगावाट निर्गत शक्ति बना देगी। अब m द्रव्यमान जो जूल ऊर्जा में बदला है वो कुल जूल ऊष्मा ऊर्जा 8.1×10^13 m है और ये रिएक्टर में निर्गत शक्ति के अनुरूप ऊष्मा ऊर्जा 1.44×10^14 के बराबर है। 10^14 को 10^13 बनाते हुए 1.44 को 10 से गुणा करें तो ये 14.4 हो जाएगा। 10^13 दोनों तरफ एक समान काटने पर रिएक्टर में एक दिन में उपयोग लिए गए यूरेनियम की मात्रा को हम 14.4 में 8.1 का भाग देके 1.8 किलोग्राम पाते हैं, अर्थात एक मामूली सा द्रव्यमान मात्रा 1.8 किलोग्राम पूरे एक दिन में रिएक्टर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत बड़ी शक्ति 500 मेगावाट को भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। और ये गणना स्पष्ट बता रही है कि द्रव्यमान एक बहुत सघन ऊर्जा का स्वरूप लिए हुए है और छोटे से द्रव्यमान से ही काफ़ी अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति की जा सकती है। ये बेहतरीन संख्यात्मक उदाहरण विषय समझ को प्रखर बनाकर परीक्षाओं की विविधता को भी समझा देगा। हमें कहा गया है कि एक यूरेनियम 235 का नाभिक जब उसमें न्यूट्रॉन अवशोषित होता है और विखंडन की प्रक्रिया होती है, फिशन प्रोसेस होता है, तो वो जो उत्पाद द्रव्यमान बनाता है वो द्रव्यमान में कुछ क्षति हो जाती है, कमी हो जाती है और ये कुल द्रव्यमान क्षति प्रति प्रक्रिया एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन में 0.2 AMU के संगत हो तो इस विखंडन प्रक्रिया पर आधारित 100 मेगावाट शक्ति क्षमता के परमाणु रिएक्टर द्वारा एक घंटे में कितनी मात्रा के यूरेनियम की खपत होगी। इस परमाणु रिएक्टर की कार्यकारी समग्र दक्षता कंबाइंड एफिशिएंसी ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता 40% दी गई है, तो हम अगर 40% दक्षता 0.4 को लेवे तो 100 मेगावाट निर्गत विद्युत शक्ति के संगत निवेश ऊष्मा शक्ति का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और एक घंटे में वाट शक्ति को सेकंड समय 3600 से गुणा करके जो रिएक्टर में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं 9×10^11 जूल के संगत, क्योंकि 1 MU द्रव्यमान क्षति 931 मिलियन EV ऊर्जा के बराबर है तो 0.2
2 AMU जो एक यूरेनियम 235 नाभिक के फिशन में द्रव्यमान क्षति हुई है वो 0.2 × 931 मिलियन ईवी ऊर्जा के बराबर है। ईवी ऊर्जा को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ का अगर गुणा किया जाए तो एक विखंडन प्रक्रिया में यूरेनियम नाभिक में जब 0.2 AMU द्रव्यमान क्षति होती है तो हमें जूल इकाई में 2.98 × 10⁻¹⁹ जूल ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब एक फिशन से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमें कुल एक घंटे में कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करनी है उन दोनों आंकड़ों से हम एक घंटे में कुल विखंडनों की फिशन के नंबर्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक घंटे में रिएक्टर में आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा 9 × 10⁻¹⁹ में एक विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा 2.98 × 10⁻¹⁹ का अगर भाग दे देते हैं तो एक घंटे में रिएक्टर में आवश्यक विखंडनों की संख्या 3 × 10⁻²² के रूप में हमें प्राप्त हो गई है। अब इन विखंडनों की संख्या से हम अवोगाड्रो अवधारणा द्वारा यूरेनियम की खपत को ग्राम में ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है 1 mol 6 × 10³³ अवोगाड्रो संख्या के बराबर यूरेनियम परमाणु रखता है और उन सभी का द्रव्यमान क्रमांक के बराबर ग्राम इकाई में द्रव्यमान हो सकता है। तो 6 × 10³³ यूरेनियम परमाणुओं का द्रव्यमान अगर 235 ग्राम है तो एक परमाणु का द्रव्यमान हम ग्राम इकाई में 235 में अवोगाड्रो संख्या का भाग देके ज्ञात कर सकते हैं और हमें एक घंटे में 3 × 10⁻²² विखंडन के लिए हमें 3 × 10⁻²² यूरेनियम 235 नाभिक चाहिए। तो इतनी संख्या के यूरेनियम नाभिकों का द्रव्यमान जो हमें रिएक्टर को 100 मेगावाट क्षमता में एक घंटे तक चला देगा वो यूरेनियम मात्रा 11.7 ग्राम प्राप्त हो गई है। एक बार फिर हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि एक अल्प द्रव्यमान भी बहुत अधिक शक्ति के साथ अच्छी खासी ऊर्जा निर्गत कर सकता है क्योंकि द्रव्यमान E=mc² के सूत्रानुसार एक बहुत सघन ऊर्जा का स्वरूप है। उम्मीद है इस छोटी वीडियो से आप परमाणविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपने आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार 1 AMU जो कार्बन 12 एटम का 1/12 अंश है वो 931 MeV ऊर्जा के भी बराबर है इसे भी समझ गए होंगे। AMU से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास भी आपकी समझ को परीक्षा उपयोगी बना चुका है। आप अच्छा पढ़ें तरक्की करें यही कामना करते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेज और परीक्षा उपयोगी नोट्स की आवश्यकता महसूस होती हो तो इस YouTube चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें और एक मामूली खर्च में अपनी पढ़ाई को ज़्यादा बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।